हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा फुट पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के ट्री टाउन एरिया में, और यहां पर आने की कोई खास वजह नहीं है। आज मेरे पास जस्ट शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए आज आपको पत्या के किसी अच्छे से एरिया का कुछ माहौल दिखाया जाए, आपको दिखाया जाए कि किस तरह से लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं पत्या में, और एक बार किस तरह से फिर से पत्या की जो रौनक थी वो धीरे धीरे यहाँ पर लौट रही है। तो ये है पत्या का ट्री टाउन एरिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इट्स बार एंड ग्रिल, एक यहाँ पर कैफ़े है, छोटा सा कैफेटेरिया है। इट्स एरिया 39, अगर आप लोग इस बार का नाम देख पा रहे हैं, और बहुत ही यार ब्यूटीफुल सा ये कैफ़े है यहाँ पर ट्री टाउन एरिया का, और एक बहुत ही फेमस है इस एरिया में, काफ़ी सारे लोग होते हैं यहाँ पर जो शाम के टाइम पर यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो यार बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टाफ है यहाँ का, तो दिखा आप। तो यार आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफ़े है ये यहाँ पर, और बहुत ही स्वीट सी लेडी है यहाँ पर, यार बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं ये। और अगर आप लोग यहाँ का अंदर का माहौल देखें यार, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस समय यहाँ पर कॉफ़ीज़ इंजॉय कर रहे हैं, स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये है फिलहाल, अभी आप लोग देख सकते हैं ट्री टाउन का माहौल, जो यहाँ का फूड मार्केट है। तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पर टेबल्स हैं जो एम्प्टी है यहाँ पर फिलहाल, अगर आप देखें तो लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ देर में यहाँ पर जैसे जैसे ये शाम और कह सकते हैं कि डार्क होती जाएगी, यहाँ पर और लोग आते जाएंगे। और ये जो आप फिलहाल यहाँ पर जो टेबल्स देख रहे हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल खाली टेबल्स हैं, ये सारे के सारे टेबल्स यहाँ पर बिल्कुल पैक होंगे। तो एक यार बहुत ही ब्यूटीफुल सा मार्केट है ये फूड के लिए, और पहले भी मैं बहुत बार आप लोगों को ये मार्केट दिखा चुका हूँ, लेकिन जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं वैसे वैसे जो यहाँ का माहौल है वो चेंज होता जा रहा है। और यार यहाँ पर जो फूड के आपके पास में ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो यार बहुत ही ब्यूटीफुल सा फूड मिलता है यहाँ पर। अगर आप लोग थाई फूड की बात करें तो थाई फूड में अगर आप लोग यहाँ पर आकर ट्राई करना चाहें तो बहुत ही कम रेट में आपको यार बहुत ही टेस्टी फूड यहाँ पर मिलता है। तो यार इस थाई फूड शॉप की जो ऑनर है प्लॉय, वो मेरे साथ में यहाँ पर, तो चलिए प्लॉय से कुछ बात करते हैं अबाउट दिस शॉप एंड अबाउट टूरिज़म ऑल्सो, राइट। तो यार ये है मेरे साथ में प्लॉय का बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडी, स्वाधिक आप हाउ आर यू कब। एंड यू हैव सम इंडिया कस्टमर माई हेयर बिफोर, नॉट टू मच इन इन सो बगाओ, नॉट टू मच ना, बट नाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम यूर शॉप ओपन बिकॉज कैन नॉट सिट एंड ईट, नाउ यू हैव नाउ हाँ हैव कस्टमर मोर माई राइट। यू वॉन्ट टू से समथिंग, यू वॉन्ट टू से समथिंग फॉर इंडिया पीपल, बिकॉज आई मेक अ वीडियो फॉर इंडिया पीपल, इफ़ यू से दैट इंडिया पीपल कम हेयर इन माई शॉप। That's really nice. Thank you so much, Kap. And I'll tell my people to come your shop in Tree Town and eat food here, because so many people want to eat a good Thai food, but they don't know where to go, where to eat, right? And if you give good food, people come to you, 100% come to you. Can taste food me. Thank you, Nakap. Thank you very much. Thank you.
यारा ये है मेरे साथ एम्प्लॉय इस शॉप की ऑनर थाई फूड के, उसका कहना ऐसा है कि यारा ट्री टाउन में जो इंडियन लोग हैं इस जगह पर बहुत काम आते हैं खाने के लिए, शायद पहले इस लॉकडाउन से पहले कुछ लोग यहाँ पर आया करते थे, तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि यार ये वीडियो देखने के बाद मेरे जितने भी भाई हैं एक बार यहाँ पर फूड ट्राई करने के लिए ज़रूर आएंगे। और आप लोग भी यार थाई फूड का अच्छा ऑप्शन ढूंढते हैं तो यार ट्री टाउन के अंदर एकदम आप लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छे रेट में और बहुत ही टेस्टी यहाँ पर थाई फूड मिलता है। इनफैक्ट मैं खुद जब भी थाई फूड खाना चाहता हूँ मैं डेफिनेटली इसी एरिया में आता हूँ और इसी एरिया में आके मैं थाई फूड अक्सर खाया करता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा यार प्लॉय की शॉप में आने का और यहाँ पर आकर कुछ थाई फूड ट्राई करने का, राइट? ओके इस यू ला। तो यार ये यहाँ पर एक पिक्चर है प्लॉय का, एक पिक्चर लगाया हुआ है यहाँ पर और ये फूड जो है वो प्लॉय यू कुक दिस फूड माई। और यह प्लॉय ये जो फूड है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं प्लॉय ही ये जो फूड है यहाँ पर आप लोगों के लिए कुक भी करती है। तो यार आई थिंक कभी ना कभी आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे और यहाँ पर आकर ये फूड ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके ना का। तो चलिए बढ़ते हैं ट्री टाउन से आगे और चलते हैं सोई पकाओ के किसी और एरिया में और ढूंढते हैं कुछ और नई चीज़ें आपके लिए। और यार सोई पकाओ में चलते चलते यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बार्बर शॉप दिख गई। अगर आप लोग ये शॉप का नाम देख पा रहे हैं इट्स एंजॉय बार्बर शॉप। और ट्री टाउन से अगर आप लोग थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही ये शॉप आएगी। और मैंने आपको एक कैंडी क्लब दिखाया था थोड़े दिन पहले जो एक नया गोगो बन रहा है कैंडी क्लब, बिल्कुल उस कैंडी क्लब के साथ में ही है ये शॉप इट्स एंजॉय बार्बर शॉप। ये है यहाँ पर एंजॉय बार्बर शॉप और एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये एक हेयर कटिंग सलून है। और इसके बाहर ही यहाँ पर मेरे को जो इनकी जो ऑनर है उन्होंने मेरे को देखा और इन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने इनको बोला कि यार आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इनको शायद अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि आप जो ये वीडियोज़ बनाते हैं आप किसके लिए बनाते हैं। तो मैंने इनको बताया कि यार मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है, काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जो मेरे वीडियोज़ रोज़ देखते हैं। इसके साथ साथ मैंने भी उनसे पूछ लिया कि क्या आपने आपके सलून के बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं आपके साथ। तो यार फाइनली वो एग्री हो गए हैं कुछ बात करने के लिए। चलिए इस सलून के ऑनर से करते हैं कुछ बातें और आपको मिलवाता हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑनर है इस सलून की। तो ये आप लोग देख रहे हैं सामने ये है जैनी और जैनी है इस सलून की ऑनर जिनका ये सलून है एंजॉय बार्बर शॉप। You want to say something to my people because so many people see you now. What do you want to say? You want they come to your shop, man? You lose money too much. How many time you close your shop? Long time close, na? Now you have a little customer, man, in your shop. Have little customer? Very little. Before when so many people come here, no COVID. Yeah. That time some India people come here, man. Now you want say some. I have customer India. Very good money. They pay good people. Thank you so much. Nikab. And now you want to say something to people, man, to come your shop when everything open. Flight open now. Yeah. Government say India can come. You know, yeah, man. Yeah, yeah. Right. Now you want to say something to India people? Come again. I don't speak. तो यार वो ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा शाय फील कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना ऐसा है कि यार जब भी कोविड की प्रॉब्लम ठीक हो तो आप ज़रूर इस शॉप पे आइए। और इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन कस्टमर्स आते थे यहाँ पर। तो यार ये है मेरे साथ में यहाँ पर जैनी इस शॉप की ऑनर, थोड़ा सा शाय फील कर रही है, थोड़ा कैमरा शाय है। इनका कहना ऐसा है कभी इन्होंने किसी वीडियो में ऐसा प्रेजेंस नहीं दिया है इनका, कभी किसी जैसे बात नहीं करी है। तो यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडी है और ये भी यहाँ पर वेट कर रही है आप लोगों की। इनका कहना ऐसा है कि कोविड से पहले काफ़ी सारे अपने इंडियन भाई यहाँ पर आया करते थे और इनका कहना है कि यार कभी भी जो भी इंडियन भाई यहाँ पर बाल कटाने के लिए आया करते थे कभी वो पैसों के लिए ऐसा नहीं बोलते थे कि यहाँ पर आप लोग ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। दे आर वेरी गुड हार्टेड पीपल और बहुत
ही अच्छा दिल है अपने हिंदुस्तानियों का। तो यार जब भी आप लोग वापस यहाँ पर पते आए तो मेक श्योर एक बार जैनी की शॉप में आप लोग ज़रूर आइएगा। इट्स इंजॉय बाबर शॉप इन सोई बखाओ। ओके ना जैनी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पर बहुत ही खुश मिजाज लोग होते हैं, आप लोगों से हंस के मिले वो भी आपसे हंस के मिलेंगे और बहुत अच्छे से आपसे बातचीत भी करेंगे। तो अपने तो निकले थे खाली एक छोटी सी वॉक करने के लिए और आपको दिखाने के लिए कुछ माहौल, और लकीली अपने को दो लोग आज यहाँ पर मिल गए जिनसे अच्छी खासी अपनी एक बातचीत भी हो गई। एक ब्यूटीफुल सी लेडी जिनका था यहाँ पर एक थाई फूड का शॉप, जहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर्स अभी आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी खुश थी वो कि यार काफ़ी टाइम के बाद अभी वापस यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं। और उसका कहना ऐसा था कि यार इंडियन कस्टमर अपने पास पे बहुत कम आते हैं, और मैंने उसको प्रॉमिस किया कि टेंशन मत लीजिए आप, अपना सिर्फ जो ये वीडियो है जब अपने भाई देखेंगे, जब अपने भाई आपकी शॉप देखेंगे तो डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर आएंगे और आके आप फूड भी ज़रूर इन्जॉय करेंगे। और उसके साथ में जो दूसरी मिली ये थी जैनी जिनका एक ब्यूटीफुल सा सलून था यहाँ पर सोई बखाओ में। तो उनका कहना ऐसा था कि जो अपने इंडियन भाई हैं वहाँ पर काफ़ी बार आया करते थे, लाइक इस कोविड से पहले बाल कराने के लिए काफ़ी लोग आया करते थे, और उसको उम्मीद है कि यार एक बार फिर से जब सब कुछ ठीक होगा और आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग उसकी शॉप पे ज़रूर आएंगे। तो बस इतना ही था आज के लिए, और अगर अभी भी आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम है सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। See ya.